अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा बनने वाले बघारे खाने की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से और बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एक पतीले में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और उसमें एक छोटी साइज़ की प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर कर डालेंगे। अगर आप बड़े साइज़ की प्याज ले रहे हैं तो बस आधी प्याज ही इसमें काफ़ी है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 इंच दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग, 3 छोटी इलायची, थोड़ी सी साबित काली मिर्च, 1 चम्मच शाही ज़ीरा और 3 तेज़पत्ते, 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये सारे मसाले डालने से बघारे खाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और अरोमा आता है। इन सबको करीब 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा कोथमीर, पुदीना और 5 स्लिट की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फ्राई हो गई हैं। ये 2.5 गिलास चावल है, इसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर 10 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में भिगा कर रखा था। आप इसे बासमती चावल की बजाय सोना मसूरी चावल से भी बना सकते हैं। अब हाई फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से अच्छी तरीके से भून लेंगे। आपको बस इन्हें हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो चावल टूट सकते हैं। अब मैं इसमें 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। जितना हम चावल लेंगे उसकी डबल क्वांटिटी का हम पानी लेंगे, मतलब मैंने 2.5 गिलास चावल लिए थे तो मैं इसमें 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। और हम ये पानी भी हल्का सा गर्म कर कर डालेंगे, जिससे बघारा खाना बहुत ही खिला खिला बनेगा और स्टिकी नहीं रहेगा। अब हम इस पर ढक्कन ढक देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें से सारा पानी सूखने तक पका लेंगे। देखिए, इसमें से लगभग सारा पानी सूख गया है और चावल भी ऑलमोस्ट 80% तक पक गए हैं। चावलों को इस तरीके से लेवल कर लेंगे। अब मैं इसके टेस्ट और अरोमा को बढ़ाने के लिए इस पर 2 छोटे चम्मच घी भी डाल रही हूँ। गार्निशिंग के लिए इस पर थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डालेंगे। अब इस पर वापस से ढक्कन ढक कर इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर दम दे देंगे। तो देखिए, अब हमारा हैदराबादी बघारा खाना रेडी है और आप देख सकते हैं ये कितना खिला खिला बना है। और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको इसमें पानी की मेजरमेंट का ख्याल रखना है। आप इसे किसी भी ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये सबके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।